राष्ट्रीय राजमार्ग 74 बाईपास निर्माण को लेकर गदरपुर शहर के व्यापारी एवं सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार शासन प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन व ज्ञापन दिया जा रहा है। इस माध्यम से वे सरकार के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि नगर के वरिष्ठ पत्रकार सतीश बत्रा के पुत्र शुभम बत्रा द्वारा अपने जन्मदिन पर बाईपास निर्माण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए तहसील परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही SDM विवेक प्रकाश जी को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें नगर के व्यापारी व सामाजिक संगठन एकत्रित हुए हैं, यह कब बताया गया। व्यापारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 74 बाईपास का निर्माण न होने से लगातार जो सतीश बत्रा जी के नेतृत्व में 1 मार्च से आज शुभम बत्रा जी जो उनके सुपुत्र हैं उनके जन्मदिन पे सब लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हुए हैं। अभी पूर्व वक्ता धालीवाल जी ने बहुत ही विस्तार से कि बाईपास क्यों नहीं बन रहा, क्या कारण उसका है वो बताया। उसके बारे में डिटेल से मेरे को भी इतना नहीं पता था, वो शायद कई लोगों को नहीं पता हो। बहुत हम लोगों को एक ही काम करना पड़ेगा, सब लोग संयुक्त प्रयास से मूवमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब किसी की मृत्यु होती तो मैंने सोचा ना पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन ये शासन प्रशासन और सरकार क्यों नहीं पिघल रही इसका कारण अज्ञात है, या तो इसको अज्ञात में डाल दिया जाए, और अगर ज्ञात है तो सरकार कोई ना कोई एक्शन ले, चाहे वो NHAI पे ले। तो एक ही काम करना पड़ेगा, सब लोग संयुक्त प्रयास से मूवमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब किसी की मृत्यु होती तो मैंने सोचा ना पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन ये शासन प्रशासन और सरकार क्यों नहीं पिघल रही इसका कारण अज्ञात है, या तो इसको अज्ञात में डाल दिया जाए, और अगर ज्ञात है तो सरकार कोई ना कोई एक्शन ले, चाहे वो NHAI पे ले, चाहे कहीं पे ले। बाईपास का निर्माण तुरंत प्रारंभ हो, यह सबकी एक महती मांग है। इतना कहकर मैं अपने उद्घोष समाप्त करता हूं। 2-3 बिंदु सामने आए। धालीवाल जी ने बताया है कि अगर टोल को रोक दिया जाए, टोल अननेसेसरी लिया जा रहा है, क्योंकि निर्माण का जो पहला ज्यादा पैसा